9 महीने की एक गर्भवती महिला जो अपने घर में अकेली है। उसका पति लॉकडाउन की वजह से नोएडा में फंसा हुआ है। उस महिला के पास कोई भी नहीं है, वो क्या करे। दरअसल ये मामला है बरेली का, जहां एक महिला ने एक वीडियो बनाकर अपनी हालत के बारे में सबको बताया और सभी से अपील की कि उसकी मदद की जाए और इस समय में उसके पति को उसके पास पहुंचाया जाए। मेरा नाम तमन्ना अली खान है और बरेली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त नोएडा में फंसे हुए हैं, वो वहाँ मजदूरी करने गए थे। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही रहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो नोएडा गए थे काम करने के सिलसिले में। मैं 9 months प्रेग्नेंट हूँ एंड आई नीड माई हस्बैंड वेरी बैडली। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बरेली तक सही सलामत पहुँचवा दीजिए, मुझे उनकी ज़रूरत है। जैसे ही ये वीडियो नोएडा पुलिस ने देखा तो तुरंत कार्रवाई की और महिला के पति के बरेली जाने का इंतजाम किया। इसके बाद महिला के पति ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया और अपने नवजात बेटे का नाम नोएडा के एडिशनल DCP रणविजय सिंह के नाम पर रखा। दरअसल महिला ने बेटे के जन्म के बाद एक और वीडियो साझा की, जिसमें उन्होंने एडिशनल DCP रणविजय सिंह के साथ साथ बरेली पुलिस और नोएडा पुलिस का धन्यवाद दिया। अब से कुछ ही वक्त पहले, शायद 4 या 5 घंटे पहले, मैं मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। मेरे हस्बैंड नोएडा में फंसे हुए थे और यहाँ मुझे लेबर पेन हो रहा था। मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाने वाला भी कोई नहीं था और आज मेरा प्यारा सा बेटा है और मेरे हस्बैंड भी हैं मेरे, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हिंदुस्तान टाइम्स, SSP बरेली, बरेली पुलिस, कमिश्नर सर जो नोएडा के हैं और एडिशनल DCP रणविजय सर। वेरी स्पेशल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के प्रयास की वजह से मेरे हस्बैंड बरेली आ पाए, वो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए और यहाँ मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। खाकी में भगवान है आप लोग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली की रहने वाली तमन्ना खान का कहना है कि उन्होंने भगवान नहीं देखा, लेकिन पुलिस के कपड़ों में भगवान जरूर देखा है। इस पर नोएडा के एडिशनल DSP रणविजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए। जो तमन्ना है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, उनका एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी था जिसमें ड्यू डेट भी संभवतः क्रॉस हो चुका था और घर में अकेली थी। उन्होंने ये अपील इसलिए वीडियो बनाकर की थी ताकि लोग उनकी बात सुनकर के उनके हस्बैंड को उन तक पहुँचाए। मुझे सूचना मिली, मैं मेडिसिन की दुकान पर था। सूचना मिलने के तत्काल बाद मैं वहाँ से सीधे जहाँ पे हस्बैंड का लोकेशन मुझे मिला वहाँ में गया। पहले मैं उनके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से उनका नंबर लेना चाहा, लेकिन बाद में मुझे SSP साहब के द्वारा ही नंबर मिल गया। मैंने उनसे भी बात की और बात करने के बाद मैं सीधे जो उनके हस्बैंड हैं अनीस भाई, उनका नंबर मिला, उनसे बात की और बात करके सीधे मैं उनके पास पहुंच गया और पहुंचा गया। फिर आने के बाद हमने उनसे बात की और बात करने के बाद हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ की और व्यवस्था करने के बाद उनको गाड़ी में, चूँकि आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ी वाले कोई तैयार नहीं हो रहे थे, हमने अपनी गाड़ी भी प्राइवेट गाड़ी मंगा ली थी ताकि अगर कोई अन्य गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं अपनी गाड़ी से भेज दूँगा। और उसके बाद लगातार मैं उनको मॉनिटर करता रहा, चूँकि रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना हो, हर जगह रुक कर पूछा जा रहा है और अनावश्यक लोगों का जो मूवमेंट है उसको भी रोका जा रहा है। तो ये चूँकि स्पेशल केस था इसलिए हम लोगों ने उनको भेजा और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, पहुंचने के बाद संभवतः उनको प्रसव पीड़ा हुई, उसके बाद वो लेकर के हॉस्पिटल गए और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वो उनका मैं इमोशनल आउटबर्स्ट देख सकता था, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो काफ़ी तकलीफ़ में थी। मुझे भी बहुत सुन करके ऐसा लगा कि अगर मेरे घर में इस तरह की बात होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी प्रकार से मैंने उनके लिए सारा प्रयास किया। और वो उसके बाद उनसे उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, उनका फ़ोन आया, वो दोनों बहुत ही भाव विवल हो चुके हैं और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मेरा बेटा होता है तो उनका नाम मेरे नाम पे रखेंगे, रणविजय रखेंगे। मैंने ये कहा उनको कि चाहे बेटा हो या बेटी हो,
जो भी हो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, और मैं भी उनके देखभाल के लिए, चूँकि मैं भी एक इंसान की मदद हर आदमी को करनी चाहिए, उसके नाते मैं भी उनके लिए देखूंगा, जो मैं कर सकूंगा आप लोगों के लिए मैं भी करूंगा। रणविजय सिंह का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी तरह की मदद की जरूरत है, नोएडा पुलिस उनकी मदद जरूर करेगी। ऐसे वाक्या देखकर लगता है कि अभी भी इस दुनिया में मानवता है, अभी भी लोग अपने कर्तव्य को पूजा समझते हैं। न्यूज भी नोएडा और बरेली पुलिस को इस सराहनीय काम के लिए सलाम करता है। नोएडा से न्यूज के लिए कौशार आलम की रिपोर्ट।